अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम गवर्नमेंट तालीमुल इस्लाम ग्रेजुएट कॉलेज चनाब नगर को देखने के लिए जा रहे हैं। आइए मैं आपको इसका मंज़र दिखाता हूँ। मंज़र दिखाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और ये मस्जिद है और बहुत अच्छी मस्जिद है। इसका व्यू अंदर से बहुत ही बेहद हसीन है। और ये वाला जो सा रास्ता जा रहा है, ये प्रिंसिपल के ऑफिस और मेन हॉल की तरफ जा रहा है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कॉलेज में क्या की चीज़। बहुत ये BS ब्लॉक है, इधर ये यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ते हैं, और ये सामने कॉलेज वाला ब्लॉक आ गया। ये वाला सामने ये कॉलेज वाले ब्लॉक है, और ये इस साइड पे प्रिंसिपल का ऑफिस भी है। और आगे जा रहे हैं हम मेन हॉल की तरफ। ये मेन हॉल का नाम है, चलिए आगे लिखा, मेन हॉल का नाम है हसनैन हॉल। इस हॉल का नाम है हसनैन हॉल। ओ ये है मेन का मंदिर, और काफी है वैसे तो। और इसमें तकरीबन 400 से 500 बच्चा आसानी से एडजस्ट हो सकता है। आइए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर दूसरी विंगों की तरफ चलते हैं जो पुरानी विंग्स थी। उधर मैं को दिखाता हूँ कि पुरानी विंग्स इस्तेमाल हो रही हैं कि नहीं हो रही। चलो चलते हैं दूसरी पुरानी विंग्स की तरफ। ये सारी पुरानी विंग्स हैं। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर एंटर हुए हैं हम, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। मेरे वाले साहब कहते थे हम यहाँ पे पढ़ते थे, उस वक्त की हैं। और ये आप से देख सकते हैं कितनी पुरानी है, और बस गिरने के करीब ही हैं। ये सारी आप देख रहे हैं कैसे विंगे बनी हुई हैं। अब ये देख के हम चलते हैं बाहर की तरफ। अब हम न्यू विंग्स की तरफ आते हैं, उधर देखते हैं। चलो चलते हैं न्यू विंग्स। ये हम एंटर हुए न्यू विंग में, और अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर ये हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये BS ब्लॉक की विंग थी, और ये कॉलेज वाली विंग। आइए मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ ऊपर से। ये बच्चों की यहाँ पे असेंबली वगैरह होती है। और हम चलते हैं दूसरी तरफ, हसनैन हॉल की तरफ चलते हैं। ये सेमिनार हॉल था। अब हम चलते हैं आगे हसनैन हॉल की तरफ। ये हसनैन हॉल है, सामने देखें व्यू बहुत अच्छा व्यू यहाँ से। अब हम चलते हैं, ये BS की विंग है, और ये है कॉलेज की विंग। इधर भी BS के क्लासेस होती हैं। ये न्यू बिल्डिंग बनी है, BS उर्दू इंग्लिश फिज़िक्स मैथ, ये सारी क्लासें उधर होती हैं। और अब चलते हैं कॉलेज की तरफ। ये हमारा सामने ग्राउंड है। चले हम क्लास में अब आ चुके हैं। अब हम बैठना का, चलो हम बैठते हैं यहीं पे।